ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा धांधली एवं भ्रष्टाचार के संबंध में फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को कमिश्नर को ज्ञापन प्रेषित किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि गोरखपुर मंडल के समस्त जनपदों में 80% फुटकर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं रहते हैं तथा 30% फुटकर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस फर्जी दस्तावेज लगाकर संचालित कराए जा रहे हैं तथा उन मेडिकल स्टोर से नियमित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा अपने दलालों द्वारा मोटी रकम वसूल कराई जाती है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के विरुद्ध है। इसके अलावा फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की। दुकानों के लाइसेंस व उनके रिन्यूअल में धांधली एवं भ्रष्टाचार के संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह से गोरखपुर न्यूज ने संपर्क किया तो उन्होंने बाहर होने की बात कही, लेकिन समाचार ऑन एयर करने तक DI ने गोरखपुर न्यूज से संपर्क नहीं किया। ऐसे में जब ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह का पक्ष आएगा तो उसे भी गोरखपुर न्यूज प्रसारित करेगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष शशि शंकर शुक्ला एवं ड्रग SIC एजाज अहमद ने कहा, फार्मासिस्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। नियम कानून के हिसाब से उसका जवाब भी बता देंगे। जो हमारे सारे फार्मासिस्ट भाई आए हैं वो जान लेंगे कि क्या उसका वो ओरिजिनल क्या रूल है और वो कितना फॉलो कराया जाता है। 24 घंटे में नहीं है, 24 घंटे में भी होता है जी। तो सर 24 घंटे में भी होता है, 30 दिन का एप्लीकेशन के निस्तारण का डेट है जी जी। 24 घंटे का रूल है, अगर हम सब पोर्टल पर सही पाते हैं जी तो उसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, 24 घंटे में किया जा सकता है, ऐसा रूल है। सारे पोर्टल के पेपर वर्क कम्प्लीट हो, ठीक है, दुकान का फोटो वगैरह सब सही। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर आपसे, मेडिकल स्टोर को संचालन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है सर? फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ी है, जो एक्ट में लिखा है वही बोलेंगे सर। 1948 उसी के तहत बताएंगे। अब उसमें फार्मासिस्ट का हमला एस एस सी डॉक्टर शुक्ला जी, हम लोगों को भी मॉनिटरिंग होती है जी। फार्मासिस्ट का कोई अलग से मेरे पास आदेश नहीं, जिनका कमी भी होती है उनको कमी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक लीगल पर्सन फार्मासिस्ट है ना सर, वह तो हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा नहीं, किसी की जान उससे जाएगी नहीं। दुकान में कोई कमी हो, चौधरी में कोई कमी हो या कुछ भी कमी हो जी, जैसे दुकान के कब्जेदारी में हो, इसी सब चीजों पर हम लोगों को कंप्लेंट होती है, मुकदमा होता है। मैम आपकी बात समझ रहा हूँ सर, जैसे 24 घंटे में लाइसेंस आप दे दो सर, उसके बाद से आप वेरिफिकेशन कराओ ना, साथ अप्लाई करेंगे हमको, एप्लीकेशन DI के पास भेजना मस्ट। तो सर DI आपकी बात को मतलब मानता है कि नहीं मानता है? सर तो करता ही है, काम कोई भी DI आप किसी की बात में नहीं करते हैं, आप उनके पास भेजोगे तो आप तो बता दो आप माधव जी, हम ही भेजते हैं एप्लीकेशन, उनको रिपोर्ट लगाते हैं। आधार कार्ड, दूसरा सवाल आधार कार्ड के लिंक के लिए मैंने कितने दिन से आपको दिया है सर? लगभग वो भी कार्रवाई चल रही है सर, अब तक उस पर कुछ प्रगति है? प्रगति है। 30 दिन में वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट लगाते हैं? 30 दिन मैक्सिमम है, निस्तारित कर निस्तारित की बात नहीं कर रहा हूँ, बताओ रिपोर्ट लगाने आप हमको बस इतना बताओ सर की वो रिपोर्ट DI वेरिफिकेशन रिपोर्ट हाउ मच टाइम यू विल टेक इन दिस मैटर, क्या कितना समय लेगा DI रिपोर्ट लगाने में? बता तो रहा हूँ कि एप्लीकेशन की डेट से 30 दिन के अंदर वो DI को करना पड़ेगा, 30 दिन। और 24 घंटे के लिए पेपर की जरूरत? हाँ, पेपर सही रहेगा, फोटो सब सही दिखेगा तो वो 24 घंटे में हो जाएगा। तो सर ऐसा तो 2-3 केस मैंने देखा कि हर एक दिवाकर जी इनका रिन्यूअल मार्च में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। नहीं तो सर क्या मतलब इतना समय इसमें लग गया है? आपको कई बार आप चेक कर लेते हैं, आपसे बात भी हुई, DI साहब को भी बात हुई थी और गए भी थे कई बार आपसे, हम लोग मैं आपसे बात भी किया, बात भी आपसे हुआ था, बोलते हैं बैठा लेंगे, आजकल तो कोई फोन कर ले रहा है, हफ्ते में 3 दिन मिलने तो जाते ही नहीं है, हफ्ते में 3 दिन टाइम मिला तो भी नहीं रहते हैं।
जी हम आए थे फार्मासिस्ट की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, मंडल अध्यक्ष शशि शंकर शुक्ला अपने फार्मासिस्ट भाइयों के साथ आए थे ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गोरखपुर से मिलने। हम अपने मांग को ये लेके आए थे कि फार्मासिस्ट का जो अधिकार है 24 घंटे के अंदर लाइसेंस को निर्गत हो जाना चाहिए ऑन पेपर, जो इन्होंने अभी स्वीकारा भी है इस बात को, लेकिन पेपर की बात करते हैं कि पेपर कंप्लीट हो। दूसरी मांग हमारी ये थी कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है अपने ज़िले में काम अच्छी तरह से नहीं करते, बिना धन लिए कोई काम वो नहीं कर सकता उसके हिसाब से। तो ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर हमारी बात ही नहीं मानता, ये सब सरासर झूठ बात है सर, क्योंकि ये ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के अंडर में ही काम करता है। तो इनकी बात नहीं मानता, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इनकी मिली भगत चलती है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारी कार्रवाई की जाएगी, आपके लाइसेंस को 24 घंटे के अंदर जारी करने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन पेपर सही हो, पेपर सही होने का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, पेपर हम सब सही लगा भी सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब चाहेंगे तो उसको फंसाएंगे। किससे बात हुई है? हमारी बात हुई है ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी इजाज अहमद जी से। इनकी सारी समस्याओं को निस्तारित भी किया जाता है और मैंने सुन लिया है, इसको त्वरित कार्रवाई करके निस्तारण किया जाएगा। मैं उसकी रिपोर्ट मांग लेता हूँ, देखता हूँ मैं, नियमतः 3 महीने में मुकदमा दायर हो जाना चाहिए, उसको मैं रिपोर्ट मंगा के देख लेता हूँ, उसका निस्तारण होगा। 8 महीना मैं बताया ना कि रिपोर्ट मंगा लेता हूँ, मैं रिपोर्ट मंगाता हूँ मैं। सर मेडिकल स्टोर के जो नियम है कि एक फार्मासिस्ट रहना चाहिए, ऐसा मतलब है सर? हाँ ऐसा तो है सर, के अंदर जितने भी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं वहाँ पर एक फार्मासिस्ट है? हाँ हमारे पोर्टल के हिसाब से हमारे से नियम का फार्मेसी कहाँ नहीं है भाई, आप मत बीच में बोलिए, वो हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा। बिना फार्मासिस्ट के लाइसेंस वैलिड हो ही नहीं सकता उनका, अगर फार्मासिस्ट हटाता है अपना पोर्टल से तुरंत लाइसेंस सस्पेंड होता है उनका, सस्पेंड करके ही हटाया जाता है, कार्रवाई करके उपलब्ध है।